हमारे अतिथिगण आदरपूर्वक आसन ग्रहण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय गृह मंत्री जी का तथा माननीय मंच का। जोरदार तालियों से भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंच से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करें तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प पांखुरी अर्पित करें। हमारा परम सौभाग्य है कि इस मंच पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के माननीय मंत्रीगण, स्थानीय विधायकगण उपस्थित हैं। हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परवार जी, माननीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी एवं माननीय मंच, आदरणीय देवियों सज्जनों, आप सभी की ओर से अब हम अपने अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। आदर के साथ निवेदन है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्थानीय विधायक विधायक इंदौर तीन आदरणीय श्री गोलू शुक्ला जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत बरबड़े जी से विनम्र आग्रह है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का स्वागत करें। श्री निशांत बरबड़े जी से पुनः आग्रह है कि आप माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें। स्थानीय विधायक श्री गोलू शुक्ला जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन मंत्री महोदय माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद राज्यसभा सुश्री कविता पाटीदार जी का स्वागत करें। एक त्रुटि सुधार, आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री केसी गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में शामिल हों, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति लागू की गई देश में तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू किया और तब
वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत। माननीय महापौर महोदय का स्वागत करने के लिए डॉक्टर सुधा सिलावट क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक इंदौर जी से विनम्र आग्रह है। डॉक्टर प्रकाश गर्ग प्राचार्य अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से आग्रह है कि आप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्माननीय अतिथियों का मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की स्वागत के लिए और आप सभी के स्वागत के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद इंदौर लोकसभा क्षेत्र श्री शंकर लालवानी जी। नमस्कार। इस महाअयोध्या की पावन नगरी में, देश के स्वच्छतम शहर इंदौर में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जोरदार ताली बजा के हम सब अपने स्थान पर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री सविता ठाकुर जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, मंचा सिंह, सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूरे प्रदेश में 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी कार्यक्रमों द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बंधुओं, किसी भी देश के विकास के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं को आगे लेने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति जो लागू की और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे पहले ये नई शिक्षा नीति लागू की, उस समय हमारे मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे, तो उनके लिए एक ताली बजा के स्वागत करें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अमृतकाल है और इस अमृतकाल में हमारा देश आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करेगा, उसमें युवाओं की प्रमुख भूमिका रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेगा। मैं माननीय अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अतिथियों का इंदौर की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी। अब हम मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि वे अपने करकमलों से नई योजनाओं का उद्घाटन करें। रिमोट के माध्यम से वर्चुअली ये उद्घाटन होगा। इस सिलसिले में हम सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का वर्चुअल उद्घाटन करें। ₹486 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से। कृपया आसन ग्रहण करें सर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और उसके लिए किए गए प्रयासों पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, कृपया आप उसका अवलोकन करें। अगर हम देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहाँ शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में उत्कृष्ट गुणवत्ता परक समग्र समावेशी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए प्रदेश के हर जिले में पहले से संचालित चयनित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में
उन्नयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित समस्त 55 महाविद्यालयों में अधोसंरचना उपकरण, फर्नीचर, खेलकूद सामग्री एवं पुस्तकालय के लिए रुपए 336 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2,232 नवीन पदों के लिए रुपए 150 करोड़ वार्षिक की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। साथ ही प्रति महाविद्यालय के हिसाब से रुपए 40 लाख की धनराशि कैंपस डेवलपमेंट के लिए भी जारी की गई है। 2020 के बाद में निरंतर पूरे देश भर में बदलाव हो रहा है और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य बना है। उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कराए जाने की इस अभियान में रोजगारोन्मुखी विषय का चयन किया गया है और 55 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के लिए 27 नए विषयों को स्वीकृत किया गया है। 7 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में अपग्रेड किया गया है। संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषय प्रारंभ किए गए हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी महाविद्यालयों में 6 सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से 8 डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कार्यों को पूरा किया जा चुका है। IIT नई दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विथ AI के ऑनलाइन कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। अकेडमिक वर्ष 2024-25 में इसके अलावा चुनिंदा महाविद्यालयों में एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से 7 सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है। जुलाई 2024 के पहले ही भवनों की मरम्मत, सफाई, रंगाई और ब्रांडिंग के साथ साथ शैक्षणिक अमले का प्रशिक्षण, हिंदी ग्रंथ अकादमी का काउंटर और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विद्यावन का चिन्हांकन कर पौधरोपण किया जा रहा है। नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश और पठन पाठन की तैयारियां की गई हैं। इन 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खेलकूद, युवा उत्सव तथा शैक्षणिकतर गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट, गुणवत्तापरक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। आपने अपने कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने कार्यक्रमों से इस पुस्तक का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः वर्चुअली रिमोट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हम आग्रह करेंगे। इनमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर को स्वीकृत सुविधाओं के वर्चुअल पट्टिका के अनावरण के साथ शुभारंभ के लिए निवेदन। कुल 561 लाख रुपए की लागत से कार्य किए जा रहे हैं। विज्ञान संकाय की शुरुआत हुई है, 54 नवीन पदों का सृजन हुआ है स्किल आधारित, और विमानन क्षेत्र में 3-3 कोर्सेज शुरू किए गए हैं। नए विषय बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत और संगीत की शुरुआत हुई है, और सबसे आगे IIT दिल्ली के द्वारा AI फिनटेक विद AI की शुरुआत इस कॉलेज में होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी, आपके द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं के लिए। अब प्रदेश के माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंद्र सिंह परमार जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें।
आज अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय इंदौर की इस पवित्र भूमि पर मैं हमारे प्रदेश देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मंच पर हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे ही मंत्री साथी आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, कविता पाटीदार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, हमारे रमेश मेंदोला जी और हमारे इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक आदरणीय हमारे अशोक कड़ेल जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदेवी जी, मंच पर उपस्थित